शांति। आज हम विशेष पिछले सीजन में जो बाबा की अव्यक्त मुरली चली, जिसमें बाबा ने विशेष जो होमवर्क दिया, उस होमवर्क के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और उसको हम अपने जीवन में धारण करने का आज एक संकल्प करेंगे। पिछले सीजन में बाबा की 11 अव्यक्त मुरलियां चली। 9 अव्यक्त मुरली में तो हम सब शांति बन गए, सम्मुख मुरली सुने देखे, और 2 मुरली लास्ट के जो 2 मुरली वो हम अपने घरों पर रह करके सुने। तो उन 12 मुरलियों के अंदर बाबा ने हमें विशेष क्या होमवर्क दिया? हम सभी आपस में जब मिलते हैं तो यही कहते हैं कि बाबा की हमसे क्या चाहना है, बाबा की हमसे क्या आशाएं हैं। तो जो बाबा की मुरलियां होती हैं, उन मुरलियों में ही बाबा की आशाएं, बाबा की चाहनाएं, बाबा हमसे क्या चाहते हैं, उन मुरलियों के द्वारा मिलती है। तो सबसे पहली मुरली जिसमें बाबा ने कहा, वृत्ति, अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ और श्रेष्ठ वृत्ति के द्वारा शक्तिशाली वाइब्रेशंस, वायुमंडल बनाओ, और पुरुषार्थ का सबसे सहज साधन दुआएं दो और दुआएं लो। बाबा ने कहा, कोई कितना भी हो, आपको बददुआ दे, घृणा करे, नफरत करे, लेकिन आपके अंदर से दुआ निकलनी चाहिए। किसी से हमारा अच्छा संबंध है, अच्छा व्यवहार है, तो उसके प्रति नेचुरल हमारे अंदर से सहयोग की भावना, सम्मान की भावना होगी। लेकिन कोई हमसे नफरत की भावना रखता है, घृणा की भावना रखता है, विघ्न डालता है, उसके प्रति भी हमारी शुभ भावना रहे, श्रेष्ठ भावना रहे, अच्छी भावना रहे, तब तो कहेंगे ज्ञानी आत्मा। तो शुभ भावना रखना, सबके प्रति श्रेष्ठ भावना रखना। कई बार हम कहते हैं कि हम तो शुभ भावना रखते रखते थक गए, लेकिन सामने वाले को तो फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो बदलता ही नहीं। बाबा ने कहा, कुछ तो टाइम लगेगा, आप शुभ भावना रखने में थको नहीं, आज नहीं तो कल वो बदलेगा ही, अवश्य वो परी। बाबा ने कहा, शुभ भावना में तो इतनी ताकत है कि रावण जैसा व्यक्ति भी आपके आगे झुक जाएगा। आग को पानी में परिवर्तन करने की ताकत है। तो बाबा ने कहा, टाइम लगेगा, लेकिन ये हो नहीं सकता कि सामने वाला व्यक्ति ना बदले। लेकिन जैसे ही हम ये संकल्प करते हैं कि हम शुभ भावना रखते रखते थक गए, ये तो पत्थर बुद्धि है, फर्क ही नहीं पड़ रहा है, परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, तो हमने जैसे कि एक दीवार सामने खड़ी कर दिया। और वो बदलने को आता है, परिवर्तन करने को आता है, लेकिन जैसे हम ये सोच लेते हैं ये तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है, फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसे ही वो दूर चला जाता है। तो कभी भी हम अपने अंदर अशुभ भावना ना लाएं, निगेटिव भावना ना लाएं कि ये परिवर्तन होगा ही नहीं। शुभ भावना रखते चलें, वो अवश्य परिवर्तन होगा। तो दुआ देना माना सबके प्रति शुभ भावना रखना, कल्याण की भावना रखना, स्नेह की भावना रखना। बाबा ने कहा, आज तुम शुभ भावना रखते हो तो तुम्हारे जड़ मूर्तियों के द्वारा भक्तों को, भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो पहली मुरली से हम ये संकल्प करेंगे, कोई कैसा भी हो लेकिन मेरी भावना खराब नहीं होगी, हमें सच्चे दिल से हरेक को दुआएं देनी है और हर एक से दुआएं लेनी है।
फिर दूसरी मुरली में बाबा ने कहा, फखुर में रह बेफिकर बादशाह बनो, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा संपन्न और संपूर्ण बन साथ चलने की तैयारी करो। तो फखुर में रह बेफिकर बादशाह, बाबा हमें क्या देखना चाहते हैं? बेफिकर बादशाह। संगम युग पर बाबा के बनने के बाद बाबा ने हमारे सारे फिकर ले लिए, सारी चिंताएं, सारे दुख, सारे कष्ट बाबा ने हर लिए। आप देखिए दुनिया में जैसे फिकर का पहाड़ है, सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक फिकर ही फिकर, और फिकर से उठते हैं, फिकर में ही भोजन करते हैं, फिकर में काम धंधे पर जाते हैं, फिकर लेकर के ही सोते हैं। तो बाबा ने कहा, फिकर का एक कारण है मैं और मेरा। जहां मेरापन है, जहां मैंपन है, वहीं फिकर है। बाबा ने कहा, फिकर बाप को दे दो और बाप से फकुर ले लो, नशा ले लो। बाबा ने कहा कि परमात्म बच्चे और फिकर, परमात्म बच्चे और मेहनत, परमात्म बच्चे और बोझ बाबा को अच्छा नहीं लगता। बाबा यही चाहते हैं बच्चे, मेरे बच्चे बेफिकर रहें, निश्चिंत रहें, हल्के रहें, कोई बोझ ना हो, तभी तो हम बाबा के साथ चल सकेंगे। तो बाबा के समान बनना है, बाप समान संपन्न संपूर्ण बनना है, तो बाबा यही चाहते हैं लाइट रहो, हल्के रहो, सारे बोझ बाबा को देकर के हल्के रहो, कोई भी फिक्र ना हो। तो मैंपन और मेरापन, बाबा ने कहा जब मैं शब्द यूज करो तो याद करो मैं कौन सी आत्मा, और जब मेरा शब्द आवे तो याद करो मेरा को। तो जब मेरा कौन ये याद आएगा तब हम फिकर से मुक्त हो जाएंगे, कुछ भी मेरा नहीं, सब कुछ तेरा। हम देवता बनने वाली है तो देवता बनने वाले के अंदर यही भावना होती है कि सब कुछ तेरा। देव संस्कार वाली आत्माओं के अंदर यही भावना कि सब कुछ तेरा। और जब हम मानव देवता से एक साधारण मानव बन जाते हैं तो भावना चेंज, भाई मेरा सो मेरा और तेरा सो तेरा। और जब हम मानव से दानव बन जाते हैं, आत्मा बिल्कुल तमो प्रधान बन जाती है, तो अंदर में ये भावना पूरी तरह से निगेटिव भावना जाती है, भाई मेरा सो मेरा लेकिन तेरा भी मेरा। हम दूसरे का भी हड़पने लगते हैं। और जो एक योगी आत्मा, उसकी निशानी है, उसकी भावना है कि ना मेरा ना तेरा, सब कुछ उसका। तो जब हम प्रभु को समर्पण करके सब कुछ चलते हैं तो हमारा जीवन बिल्कुल हल्का निश्चिंत बन जाता है, हम बेफिकर बन जाते हैं। तो दूसरी मुरली से हम ये याद रखेंगे कि हमें सदा बेफिकर रहना है। तीसरी मुरली में बाबा ने कहा, स्वमान के फखुर में रहे, असंभव को संभव करते बेफिकर बादशाह बनो। स्वमान के फखुर में बाबा ने कहा, जो बच्चे अपने श्रेष्ठ स्वमान में रहते हैं उनका जिम्मेवार मैं, और जो बच्चे स्वमान के से नीचे आ जाते हैं वो खुद के खुद जिम्मेवार। स्वमान की सीट से जब हम नीचे उतरते हैं, अपसेट होते हैं, तो हम खुद के खुद जिम्मेवार बन जाते हैं। तो स्वमान में रहना अर्थात क्या? जिस नजर से बाबा हमें देखता है उस नजर से हम अपने आप को देखें। बाबा देखते हैं यही मेरे बच्चे होवनहार इष्ट देव और देवियां हैं, यही मेरे बच्चे
सारे विश्व के आधार हैं, जहान के नूर हैं, विश्व के उद्धार मूरत हैं। यही मेरे बच्चे कल्प कल्प के विजयी रतन हैं, इष्ट देव और इष्ट देवियां हैं। अब हमें इतना नशा रहता है, हमें जरा भी किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ कह दिया, बस उसको लेकर के हम कितना हम संकल्प विकल्प चलाने लगते हैं। इसने मुझे ऐसा बोला, इसने मुझे ऐसा कहा। तो स्वमान में रहना, स्वमान में रहना अर्थात अपने आप को, स्वयं को स्वयं ही मान देना। तो बाबा यही चाहते हैं कि स्वमान में रहो और औरों को भी स्वमान की नजर से देखो। एक बार बाबा ने कहा, जब किसी को देखते हो तो उसके आदि अनादि स्वरूप को देखो। जैसे हम आदि अनादि स्वरूप से देखते हैं, स्वमान की नजर से देखते हैं, तो क्या फायदा होगा? मानो कोई आपके ऊपर क्रोध कर रहा है, तो जब आप स्वमान की नजर से देखेंगे, आदि अनादि स्वरूप की नजर से देखेंगे, तो अंदर में आएगा कि नहीं, ये तो बहुत शांत स्वरूप आत्मा है, ये तो बहुत प्रेम स्वरूप आत्मा है, ये तो गुस्सा कर ही नहीं सकती, ये तो नफरत कर ही नहीं सकती, ये माया हमारे इसके द्वारा हमारी परीक्षा ले रही है और इस परीक्षा में मुझे पास होना है। तो तीसरी मुरली से हम ये याद रखेंगे कि हर एक को स्वमान की नजर से देखना है, स्वयं भी स्वमान, और जो खुद स्वमान में रहता है वही दूसरों को भी स्वमान की नजर से देख सकता है। बाबा ने कहा, स्वमान में रहोगे तो मान सम्मान देने वालों की ऐसे ही लाइन लगेगी जैसे मंदिरों में देवियों के आगे भक्तों की लाइन। तो स्वमान, कभी हमारे अंदर हीन भावना ना आए और कभी अभिमान भी ना आए। स्वमान कोई अभिमान नहीं, स्वमान अर्थात वास्तव में मैं जो हूं, और अभिमान माना जो हम नहीं हैं, उसको वो अभिमान कहते हैं। अपने पद पोजीशन का अभिमान, धन दौलत का अभिमान, रंग जो आज है कल नहीं है, उसको अगर हम करते हैं, मनस शरीर से जोड़कर जो अब आता है उसको कहते हैं अभिमान, और जो आत्मा से जुड़ा हुआ होता है अविनाशी चीज, उसको कहते हैं स्वमान। तो तीसरी मुरली से हम ये रोज अपने अंदर चेक करेंगे कि हम सारा दिन स्वमान में रहे, औरों को भी स्वमान की नजर से देखा। चौथी मुरली में बाबा ने कहा था कि चारों सब्जेक्ट में अनुभवी मूर्त बनो और उसे कार्य में लगाओ। चार सब्जेक्ट हमारे ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान में अनुभवी मूर्त बनना अर्थात हमारा ज्ञान स्वरूप जीवन हो, ज्ञान की लाइट माइट हमारे जीवन में हो। हम कितने वर्ष से ज्ञान में चल रहे हैं वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज्ञान हमारे जीवन में कितने समय से चल रहा है वो बड़ी बात है। जैसे एक बार जगदीश भाई जी क्लास करा रहे थे, तो उन्होंने कहा, मैंने एक बार मम्मा से प्रश्न पूछा कि बाब मम्मा, आप ये कहते हैं कि लास्ट सो फास्ट एक 10 वर्ष से ज्ञान में चल रहा है और एक है जो एक ही वर्ष से चल रहा है ज्ञान में, तो 10 वर्ष से 1 वर्ष वाला कैसे आगे जाएगा? तो मम्मा ने बहुत सुंदर बात सुनाई कि मानो वो 10 वर्ष से ज्ञान में चल रहा है और उसकी भोजन की शुद्धि अभी तक नहीं हो पाई। एक है जो एक ही वर्ष से ज्ञान में चल रहा है, उसने अपने भोजन की शुद्धि कर ली, तो कौन आगे गया? तो इसमें यह बात नहीं है कि हम ज्ञान में कितने से 20 साल से 30 साल से चल रहे हैं, नहीं, लेकिन ज्ञान हमारे जीवन में कितने समय से चल रहा है। कई बार हम कहते हैं कि बाबा तो कहते हैं सबके साथ तोड़ निभाओ, हम बाहर जाते हैं, हम गृहस्थी हैं, बाहर जाते हैं, रिश्तेदार के यहां जाते हैं,
उनके हाथ का भोजन नहीं करेंगे तो हमारा ज्ञान कहाँ सुनेंगे। तो उनके हाथ का भोजन करना पड़ता है, या कहीं गए किसी अतिथि, विशेष अतिथि के रूप में कोई हमसे बड़ा है और वो मुझे चाय पानी पूछता है तो हम क्या ना पिए ना खाएं। बाबा ने एक मुरली में कहा कि बाबा मना नहीं करता है, संसार की लोक लाज जो संसार, हाँ कई बार हम कहते हैं ना भाई संसार, संसार का लोक लाज है, संसार में जो नियम मर्यादाएं हैं, हम घर गृहस्थी में रहते हैं तो वो भी निभाना पड़ता है। तो बाबा ने कहा कि जो भी घर गृहस्थी की बातें हैं, नातेदार रिश्तेदार की बातें हैं, समाज की बातें हैं, निभाओ, बाबा मना नहीं करता है, लेकिन श्रीमत मर्यादा तोड़ करके नहीं। अगर हम श्रीमत मर्यादा तोड़ करके हम निभाना चाहते हैं तो वो उनको सुख देना नहीं है? वो उनको खुश करना नहीं, लेकिन हम अपने हाथ अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। बाबा ने कहा उस लोक लाज उस समाज की तो बहुत ध्यान रखते हो, कहीं वो नाराज ना हो जाए, कहीं उनको हमारे कर्म से उनको अच्छा ना लगे। तो बाबा ने कहा और ये ब्राह्मण कुल का, ये ईश्वरीय कुल का लोकलाज भूल जाते हो, वो मनुष्य क्या कहेंगे वो तो ध्यान रहता है, लेकिन भगवान क्या कहेंगे वो ध्यान नहीं रहता है। तो बाबा ने कहा इस ईश्वरीय कुल का लोकलाज भी निभाओ, ईश्वरीय कुल की नियम मर्यादा भी निभाओ, इस नियम मर्यादा तोड़ करके नहीं। तो जो बाबा की नियम मर्यादा, हम कई बार कहते हैं कि बाबा कहते हैं ना सबको सुख दो, हम घर में ज्ञान में चलते हैं लेकिन घर वाले हमारे विरोधी हैं, वो मना करते हैं, हमारे माँ बाप हैं वो हमें मना करते हैं, तो क्या हम उनकी बात ना माने? माने, माँ बाप को खूब आदर दें, सम्मान दें, हर बात माने, लेकिन जिस बात से श्रीमत मर्यादा का उल्लंघन होता है हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करें कि हम आपकी हर बात मानेंगे, लेकिन जो मर्यादा है मर्यादा के विपरीत काम है वो हमें मर्यादा के विपरीत कार्य मुझसे ना करवाएं, बड़े प्यार से अच्छे शब्दों में। तो हमारे अगर हम अच्छे शब्दों में प्यार से उनको समझाते हैं, बताते हैं कि हमारा मार्ग पवित्रता का मार्ग है, हमारा मार्ग शुद्धि का मार्ग है, और जब हम अपने नियम में पक्के होते हैं, जो हम बाहर का भोजन नहीं करते हैं, तो है ना सामने वाले भी देखते हैं तो सोचते हैं हाँ भाई ये ओम शांति में जाते हैं, ब्रह्मा कुमारीज में जाते हैं, अपने नियम के बिल्कुल पक्के हैं, ये कहीं बाहर का नहीं खाते हैं, तो भी हमसे ज्यादा हम पर दबाव नहीं डालते हैं। और लेकिन अगर हम खा लेते हैं तो सामने वाला यही सोचता है हाँ ज्ञान में तो चल रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जा रहे हैं, लेकिन इनके जीवन में कोई नियम धारणा नहीं है, कोई पक्के नहीं है। अच्छा घर गृहस्थ में हम जब घर में रहते हैं तो घर वाले भी हमें नोट करते हैं इनकी धारणाएं क्या है और इनकी शुद्धि क्या है। अगर हम अपने नियम के पक्के होते हैं तो घर वाले भी हमारे प्रति देख करके बहुत उनको भी नाज होता है कि भाई ज्ञान में चल रहे हैं, अपने नियम के बिल्कुल पक्के हैं। मैं अपनी ही बात बताऊं, हमारे परिवार में सभी ज्ञान में चल रहे थे, हमारे पिताजी वो ज्ञान में नहीं आए, वो विद्वान थे, कथा भागवत कराते थे, तो वो सोचते थे मैं इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा पंडित, कथा भागवत करने वाला, मुझे भगवान नहीं मिला, ये कहते मुझे भगवान मिला है, उनको अच्छा नहीं लगता था, विरोध करते थे। उस समय मैं छोटा ही था तो मैं देखता था कि हमारे घर पे जब दूसरे ब्राह्मण आते थे तो दूसरे ब्राह्मणों को एक बात कहते थे कि भाई ब्राह्मण तो हम हैं लेकिन ब्राह्मणों का कर्म देखना है तो मेरे बच्चों के अंदर क्या है, उनकी जीवन की धारणाएं क्या, उनके अंदर दिव्यता है क्या, रूहानियत है,
तो ये बहुत प्रभाव डालता है। तो बाबा ने कहा हमारे जीवन से, आजकल लोग ज्ञान सुन सुन करके थक गए, कोई ज्ञान नहीं सुनना चाहता है, स्वरूप देखना चाहते हैं। जब हम तो देखते हैं कि यहाँ ज्ञान स्वर में जब धार्मिक प्रभाव होता है, बड़े बड़े महामंडलेश्वर आते हैं, वो नतमस्तक हो जाते हैं दादियों के सामने, और भरी सभा में, महात्माओं की सभा में कहते हैं हम लोग तो भगवान को ढूंढते ही रह गए, लेकिन आप लोगों ने भगवान को पा लिया। आप जो कहते हैं आपके वो जीवन में है, वो आपके कर्म में है। सचमुच आपकी कथनी करनी एक है, भरी सभा में, महात्माओं की सभा में बोलते हैं। तो हमारे जीवन की जो रूहानियत है, जो दिव्यता है, वो प्रभाव डालती। बाबा यही चाहते हैं कि आपको देख करके दूसरों को प्रेरणा मिले, तो हमारा जीवन ज्ञान स्वरूप हो। चारों सब्जेक्ट में माना, पहला ज्ञान स्वरूप जीवन, दूसरा है योग, योग में अनुभवी मूर्त बनना, योग युक्त हमारा जीवन बन जाए। हम योग लगाने वाले योगी नहीं, लेकिन हम नेचुरल योगी, योग हमारा लग रहा है, उसका प्रैक्टिकल हमारे जीवन से दिव्यता, वो रूहानियत, वो पवित्रता की झलक दिखाई पड़ेगी, हमारे संस्कारों में परिवर्तन नजर आएगा। तो योग में अनुभवी मूर्त बनना अर्थात स्वराज अधिकारी बन करके रहना, जब चाहें जितना समय चाहें अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर लें। हमने योग का बल अपने अंदर कहां तक जमा किया है। और तीसरा है धारणा में अनुभवी मूर्त बनना अर्थात धारणा स्वरूप, धारणा स्वरूप जीवन अर्थात पवित्र, पवित्रता में सारे दैवी गुण आ जाते हैं हमारे अंदर। हर कर्मों की पवित्रता कहां तक आई है, दृष्टि वृत्ति स्मृति, हमारा जीवन कहां तक, ये पवित्रता ही ऐसी चीज है कि जिसके आधार से लोग नतमस्तक होते हैं, उनको प्रेरणा मिलती है। और चौथा है सेवा, सेवा में अनुभवी मूर्त बनना अर्थात हमारे अंदर सेवा करते हुए निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी, ये सेवा में है। तो सेवा में हम पूरा का पूरा मार्क्स जमा कर रहे हैं। और अगर हमारे अंदर अभिमान आता है कि मैंने इतनी सेवा की, मेरे बिना कोई नहीं कर सकता, मैं ही सब कुछ जानता हूं, मैं ही सब कुछ कर सकता हूं, मैंने किया, तो क्या होगा कि बाबा ने एक मुरली में कहा कितना भी सेवा कर लो, रात दिन जा करके सेवा कर लो, कितना भूख प्यास सहन करके सेवा कर लो, लेकिन अगर अभिमान आया कि मैंने किया तो सेवा का कच्चा फल खा लिया। और अगर अंदर में आता है नहीं, करण कराउनहार बाबा है, बाबा ने कराया, मैं तो निमित्त मात्र हूं, तो सेवा का पूरा मार्क्स जमा हो जाता है। तो ये चार विषय हैं। वैसे लौकिक दुनिया में देखो, जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं उनके जीवन का क्या लक्ष्य होता है, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। वो कभी संग दोष में नहीं जाएंगे, वो कभी अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाएंगे, उनका पूरा अटेंशन होगा और हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लेने का अटेंशन होगा। ऐसे ही जो ज्ञान में चलने वाले ईश्वरीय विद्यार्थी हैं, जो फर्स्ट क्लास ईश्वरीय विद्यार्थी हैं, उनके जीवन का भी यही सिद्धांत होता है, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। मुझे किसी दूसरे को नहीं देखना है, मुझे स्वयं को देखना है, स्व परिवर्तन करना है। और जो कमजोर विद्यार्थी वो क्या सोचते हैं, हे भगवान किसी तरह मुझे पास करा देना, वो मेहनत से डरते हैं। लेकिन अच्छे विद्यार्थी चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लेने की अच्छी मेहनत करते हैं। तो इस प्रकार चौथी मुरली से हम ये ध्यान रखेंगे कि चारों सब्जेक्ट में ज्ञान योग धारणा और सेवा, इसमें हमें पास विद आनर बन करके दिखाना है, फुल मार्क लेना है, अनुभवी मूर्त बनना है। फिर नेक्स्ट बाबा की मुरली चली, पांचवी मुरली 31 दिसंबर की मुरली। बाबा ने इसमें कहा इस नए वर्ष में दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति से, परिवर्तन शक्ति, बाबा ने कहा परिवर्तन शक्ति का बाबा ने वरदान दिया है, तो इस नए वर्ष में परिवर्तन शक्ति के वरदान द्वारा निगेटिव को पॉजिटिव करो,
और अपने समय स्वास संकल्प को सफल कर सफलता मूर्त बनो। तो निगेटिव को पॉजिटिव करना ये याद रखें। बाबा ने एक बार मुरली में कहा कि यदि आपको निगेटिव संकल्प बहुत चलता है, निगेटिव संकल्प आपका बंद नहीं हो रहा है, फोर्स के साथ आ रहा है, तो बाबा ने कहा कि उस समय ये सोचो क्या निगेटिव सोचने से कुछ फायदा है, और यदि नहीं तो मैं क्यों सोच रहा हूं। कैसे आता है निगेटिव संकल्प? एक एग्जांपल, जैसे हमने सेवा किया, बाबा की मुरली 97 की एक अव्यक्त मुरली है। बाबा ने उसमें कहा कि जैसे आपको आपकी टीचर बहन ने कोई सेवा बताई और आप सुबह से लेकर के शाम तक खूब सेवा करके आए, सेंटर पर पहुंचे, लेकिन सेंटर पर आपकी टीचर बहन ने आपको एक गिलास पानी तक भी नहीं पूछा, और जो सेवा कुछ नहीं किया, सारा दिन बैठा रहा, टीचर बहन उसी की ही महिमा कर रही है, तो हमारे मन में क्या आया कि अरे सारा दिन मैंने सेवा किया और अभी शाम को आया हूं, टीचर बहन एक गिलास पानी तक भी नहीं पूछ रही है, और जो सारा दिन कुछ नहीं करता है, बस आगे पीछे घूमता रहता है, बस टीचर बहन उसी की महिमा करती है। बाबा ने उस मुरली में क्या कहा, बच्चे टीचर बहन पूछे या ना पूछे, मैं तो पूछ रहा हूं, तुम्हें टीचर बहन की डिक्शनरी में नाम लिखवाना है या मेरी डिक्शनरी में नाम लिखवाना है। बाबा ने कहा, बच्चे जो तुमने सेवा किया वो मार्क्स जमा हो गया, भगवान देख रहा है, बाबा देख रहा है, और हम चाहते हैं कि टीचर्स बहन हमारी महिमा करे हमारा। तो बाबा ने कहा, देखो संगम युग वरदानी युग, आप जो चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। अगर आप नाम मान सान चाहते हैं, महिमा चाहते हैं, तो वो भी मिल जाएगा, लेकिन नुकसान क्या होगा, जो 21 जन्मों की प्राप्ति है, जो 21 जन्मों का भाग्य है, उस भाग्य से हम वंचित हो जाएंगे। तो हम अपने आप से पूछे, मुझे क्या चाहिए, 21 जन्मों का भाग्य या अल्पकाल का नाम मान सान? दोनों चीज है, अल्पकाल का नाम मान सान भी मिल जाएगा, लेकिन अगर अल्पकाल का नाम मान सान मिलेगा तो 21 जन्मों के भाग्य में कमी आ जाएगी। तो हमें अपने आप को निगेटिव से बहुत दूर रखना है। अब वो मेरा अचिंतन करेंगे, वो मेरा रास्ता नहीं है। निगेटिव सोचते सोचते तो हमारा ये हाल हो गया जो गीता के अंदर है कि भगवान कहते हैं कि आत्मा अपना ही शत्रु और अपना ही मित्र। तो जब हम निगेटिव सोचते हैं तो अपने आप के शत्रु बन जाते हैं, और जब पॉजिटिव सोचते हैं तो अपने आप के मित्र बन जाते हैं। तो कभी भी निगेटिव संकल्पों को लाने नहीं देना है। निगेटिव का कारण क्या है? मन में पॉजिटिव संकल्प, अच्छे संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, समर्थ संकल्प, शुद्ध संकल्पों की कमी। और ये शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, ये सब कहां से मिलते हैं? रोज की मुरली से। तो रोज की मुरली जितना हम चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, अध्ययन करते हैं, उतना उतना हम निगेटिव संकल्पों से दूर रहते हैं। फिर बाबा ने कहा, अपने समय स्वास संकल्प को सफल करो और सफल अमूर्त बनो। ये संगम युग का ये एक एक सेकंड बाबा कहते हैं ये अनेकों वर्ष के समान है। अब नासी कमाई करने का, चारों युगों की कमाई करने का, अब नासी प्राप्ति करने का ये समय है। अगर इस समय हम एक दूसरे को देखने में, तेरे मेरे में, इधर उधर की बातों में हम गंवाते रहें तो हमें क्या कहा जाएगा, समझदार? तो बाबा ने कहा, देखो सोचो गहराई से, मैं अपने समय स्वास संकल्प को व्यर्थ तो नहीं गंवा रहा हूं। संगम युग पर सबसे समझदार वही है जो अपने समय स्वास संकल्प को सफल करता है। बाबा ने कहा, अगर ये समय स्वास संकल्प व्यर्थ जाता है तो यही दिन, यही क्षण अंत में याद आएंगे कि बाबा से बहुत कुछ मिला था, बहुत कुछ प्राप्ति हुई थी, लेकिन हमने उन प्राप्तियों को नहीं समझा, ने अपने समय स्वास संकल्प को व्यर्थ गंवाया।
तो बाबा ने कहा ये दिन याद आएंगे और फिर बहुत पश्चाताप होगा। तो बाबा ने कहा, एक मुरली में कहा, अंत के पश्चाताप से वही बच्चे छूटते हैं जो अभी पश्चाताप करते हैं, जो अभी रियलाइज कर लेते हैं, जो अभी अपने आप के खुद की खुद टीचर बनते हैं और अपने आप को परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो 31 दिसंबर की मुरली से हम ये याद रखेंगे कि हमें निगेटिव से अपने आप को मुक्त रखना है और अपने समय श्वास संकल्प को सफल करना है। फिर नेक्स्ट है 18 जनवरी की अव्यक्त मुरली, इसमें बाबा ने कहा कि मास्टर मुक्तिदाता बन आत्माओं को मुक्ति दो, आत्माओं को सकाश दो। तो मास्टर मुक्तिदाता कौन बन सकेंगे? मास्टर मुक्तिदाता जो अपने आप को अनेक प्रकार के बंधनों से मुक्त करके रखेंगे। बाबा ने कहा बच्चे लोहे की मोटी मोटी जंजीरें तो तोड़ देते हैं लेकिन सोने की जंजीरों में अपने आप को बांध लेते हैं। बाबा हमें याद दिलाते बच्चे अपने आप को समझो जानो, तुम विश्व के पूर्वज हो, विश्व के आधार हो, विश्व के नींव। और यद तुम ही एक दूसरे को देखते रहे, तेरे मेरे में रहे, इधर उधर की बातों के बंधन में रहे तो औरों का क्या हाल होगा। बाबा ने एक मुरली में कहा कि तुम विश्व के पूर्वज और सारे संसार की आत्माओं को सकाश देने वाले हो, सारे संसार की आत्माएं पुकार रही हैं, हे मेरे इष्ट देव मुझे शांति दो, शक्ति दो। बाबा ने कहा बाप को दुखी अशांत आत्माओं की आवाज सुनाई पड़ता है परम धाम में, तो वो तुम बच्चों को याद करता है कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। तो बाबा कहते बच्चे दुखी अशांत आत्माओं की आवाज सुनो और उन्हें सकाश दो, आपके सकाश की बहुत बहुत आवश्यकता है। ये काम दूसरा कोई नहीं कर सकता, ये काम तुम बच्चे ही कर सकते हो। तो कौन दे सकते हैं सकाश? जो हर प्रकार के बंधनों से मुक्त होंगे। हम अपने आप को देखें, ऐसे कौन कौन से बंधन हैं जिनमें हमने अपने आप को बांध करके रखा है, अपने आप को जकड़ करके रखा है। जब हम खुद ही बंधन में रहेंगे तो हम दूसरों को बंधनों से कैसे मुक्त करेंगे? बाबा ने हमें हमें ड्यूटी दी है, हमें सेवा दी है कि तुम्हें सारे विश्व की दुखी अशांत आत्माओं को शांति शक्ति का सहयोग देना है, उन्हें सकाश देना है। और यदि हम खुद ही परेशान उदास तो और सारे संसार की आत्माओं का क्या हाल होगा। तो हम इस नशे में रहें, हम पूर्वज हैं, पूर्वज माना बड़े, पूर्वज माना सबकी पालना करने वाले। जैसे एक घर के पूर्वज होते हैं, बड़े होते हैं तो घर में लोगों का ध्यान रखते हैं ना कि सबको सब कुछ समय पर मिले। ऐसे बाबा ने कहा तुम विश्व के, तुम चार लोगों के पूर्वज नहीं, वो तो चार लोगों के पूर्वज हैं, एक घर के पूर्वज, लेकिन तुम विश्व के पूर्वज हो और विश्व के पूर्वज का काम है आत्माओं का ध्यान रखना। बाबा ने कहा तुम कल्प वृक्ष की चैतन्य जड़े हो, तुम्हारे आधार से ही ये सारा कल्प वृक्ष चलता है। जब तुम सतो प्रधान तो सारा विश्व सतो प्रधान, जब तुम तमो प्रधान तो सारा विश्व तमो प्रधान, जब तुम्हारी चढ़ती कला तो सारे विश्व की चढ़ती कला, और जब तुम्हारी उतरती कला तो सारे विश्व की उतरती कला। तुम्हारे एक एक संकल्पों का प्रभाव विश्व की समस्त आत्माओं पर पड़ता है। जैसा तुम सोचोगे वैसा विश्व की आत्माएं सोचेंगी। तो हम ये नहीं सोचे कि हम कोई संकल्प कर रहे हैं तो अपना ही नुकसान, लेकिन विश्व की, क्योंकि हम पूर्वज हैं, हमसे जुड़ी हैं विश्व की आत्माएं। बाबा भी कल्प वृक्ष का वो चैतन्य बीज, वो बीज है, और वो बीज किसके द्वारा सकाश देगा? हम जड़ों के द्वारा। तो हम चैतन्य जड़े हैं,
इतना हमारे ऊपर, अपने ऊपर हमें जिम्मेवारी रखनी है, इतना हमें अपने ऊपर अटेंशन रखना है, इतना हमें अपने ऊपर ध्यान रखना है। तो हम मास्टर मुक्तिदाता, अनेक आत्माओं को मुक्ति देने वाले, साहस देने वाले, शक्ति देने वाले। फिर नेक्स्ट मुरली में बाबा ने कहा कि हर घंटे मन की एक्सरसाइज कर उसे शक्तिशाली बनाओ, और जब बाबा ही संसार है तो संस्कार भी बाप समान बनाओ। कितनी सुंदर बात। हम कहते बाबा ही हमारा संसार है, बाबा ही हमारा सब कुछ है, तो जब बाबा संसार है तो हमारे संस्कार बाप समान है। जो बाबा के संस्कार वही हमारे संस्कार, जो बाबा को पसंद वही हमें भी पसंद हो। हम कहते बाबा से हमारा बहुत प्यार है, तो प्यार की निशानी क्या है? बाबा कहते बच्चे दुनिया में लोग प्यार के पीछे जान भी कुर्बान कर देते हैं, और तुम क्या प्यार के पीछे अपनी कमी कमजोरियों को नहीं कुर्बान कर सकते? बाबा हमसे क्या लेने आया है? बच्चे अपने अंदर जो आपके अंदर जो दुख है, कष्ट है, परेशानियां हैं, कमी कमजोरी है, अवगुण है, बुराई है, वो सब मुझे दे दो, और मेरे से सारे खजाने, सारे वरदान, सारे शक्तियां सब ले लो। तो अब हम देखें कि हमारे संस्कार, जैसे बाबा के अंदर सुख देने के संस्कार, हमारे अंदर वो सुख देने के संस्कार हैं। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा, जब अंत में रिजल्ट आउट होगी तो तीन बातें देखी जाएगी, और उन तीन बातों के आधार से फाइनल नंबर उसका आउट होगा, उच्च पद का अधिकारी बन जाएगा। तो पहली बात बाबा ने कहा, पहली बात यही है कि हमने सुख कितनों को दिया, सुख देने की भावना कितना रही। हम दुख करता सुख करता बाबा के बच्चे हैं, तो हमारे अंदर वो सुख देने की भावना है। सबको हम सुख देते हैं मन वचन कर्म से, हमारे अंदर सुख देने की भावना कहां तक है? पहली बात। दूसरी, बाबा ने कहा कि आत्मा को योग्य कहां तक बनाया, जिन आत्माओं की हमने सेवा की उनको हमने, उनकी हमने पालना की, वारिस बनाया। और तीसरा, बाबा ने कहा निर्विघ्न कितना रहे, टकराव तो नहीं रहा किसी भी प्रकार का। तो जब हमारे अंदर ये तीन बातें होंगी, सुख देने की भावना, योग्य बनाने की भावना और निर्विघ्न, तो हमें सेवा में पूरा मार्क्स मिलता है, और इस आधार से हमें आगे नंबर मिलता है। तो बाबा समान सुख देने के संस्कार, बाबा समान शुभ भावना, शुभ कामना, बाबा समान त्याग के संस्कार। कई बार दादियां सुनाती थी कि बाबा के अंदर त्याग का भी त्याग था। आज हम थोड़ा भी बहुत कुछ त्याग करते हैं तो हम बड़ी अपनी, आपको पता है कि मैंने ये त्याग किया, अपनी महिमा करते मैंने ये किया वो किया, लेकिन बाबा के अंदर कभी त्याग का संकल्प भी नहीं आया। हर कोई नाम मान शान चाहता है, लेकिन बाबा ने उसका भी त्याग किया, कभी अंदर में भावना नहीं आई। दादी सुनाती कि कभी बाबा समझो दिल्ली जा रहे, कानपुर जा रहे हैं, और रास्ते में स्टेशन पर बच्चे फूल माला लिए खड़े हैं, तो बाबा एक स्टेशन पहले ही उतर जाते थे। तो बच्चे कहते थे बाबा हम तो फूल माला लेकर आपके स्वागत में खड़े थे, आप एक स्टेशन पहले ही पहुंच उतर गए। बाबा ने कहा बच्चे मुझे ये फूल नहीं, मुझे तो आप फूल, चैतन्य फूल चाहिए, आप फूल जैसा बन जाओ। बाबा ये चाहते हैं, त्याग का कभी अभिमान। और आप सोचे मैंने त्याग क्या किया, इतना भाग्य मिला, कमी कमजोरी अवगुण बुराइयों का त्याग किया, और कितना सुंदर निश्चिंत भरा जीवन, खुशियों भरा जीवन, आनंद भरा जीवन है कि प्राप्ति हुई, स्वयं भगवान मिल गया, त्याग क्या किया मैंने, कितना बड़ा भाग्य।
तो हम अपने श्रेष्ठ भाग्य के नशे में रहेंगे, प्राप्तियों की स्मृति में रहेंगे, कभी त्याग त्याग नहीं लगेगा, उसमें हमें नशा और खुशी होगी। तो हम देखें हमारे संस्कार क्या बाप समान बने हैं, जो बाबा को पसंद वही हम भी पसंद हो, जो बाबा को पसंद नहीं वो हमें भी पसंद नहीं। तो इस प्रकार से हमें अपने आप को देखना है कि हमारे संस्कार कहाँ तक बाप समान बने हैं। कई बार हम कहते हैं क्या करें, हमारे ये पुराने संस्कार है ना, हमने कई बार संकल्प कर लिए और कई बार हमने वायदा कर लिए, कई बार हम लेटर भी लिख दिए, लेकिन हमारे पुराने संस्कार फिर इमर्ज हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा उस पुराने संस्कारों को, बाबा ने कहा पहली बात तो यही गलती करते हो, पुराने संस्कार आपके, वो पुराने संस्कार नहीं, पुराने संस्कार तो आपके आदि अनादि संस्कार हैं, वो बड़े अच्छे संस्कार हैं, ये मध्यकाल के संस्कार, ये रावण की देन है, और इसको अपना बना लेते हो इसलिए वो आ जाते हैं। तो ये हमारे संस्कार नहीं, हमारे संस्कार तो बड़े अच्छे रैल संस्कार है, हमारे संस्कार दैवी संस्कार हैं, हमारे संस्कार सुख देने के संस्कार है, हमारे संस्कार सबको है ना आगे बढ़ाने के संस्कार हैं। तो हमें अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है सिर्फ, और कोई पुराना संस्कार ये चेंज नहीं हो रहा है तो बाबा ने कहा है उसको खत्म करने के लिए चाहिए बीज रूप योग का स्टेप। और दूसरा जो बाबा ने कहा कि हर घंटे एक्सरसाइज, जब हम 5 स्वरूपों एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा मन शक्तिशाली बनता है, और जब हमारा मन शक्तिशाली बनता है तो धीरे धीरे पुराने संस्कार ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं। तो हमें इस मुरली से ध्यान रखना है कि हमें अपने संस्कार बाप समान बनाने हैं। फिर आगे शिवरात्रि की मुरली थी जिसमें बाबा ने कहा आलस अलबेलापन और बहानेबाजी की नींद से जागना ही शिवरात्रि का सच्चा जागरण है। हमारे पुरुषार्थ के मार्ग में सबसे बाधक जो बनता है वो है आलस्य अलबेलापन। हम सोचते हैं ना, फिर करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, आलसी व्यक्ति के अंदर यही होता है कि देखेंगे सोचेंगे, अभी कौन संपन्न संपूर्ण बना है, हर एक के अंदर कोई ना कोई कमी कमजोरी है, हम तो अभी नए नए हैं, पुरुषार्थी हैं। तो जब आलस्य आता है तो हम दूसरों को देखने लगते हैं, दूसरे की कमी कमजोरियों को देखने लगते हैं। तो मुझे एक मुरली याद आ रही है जिसमें बाबा ने कहा कि कभी भी किसी दूसरे को नहीं देखना है, और हम दूसरे को देखते हैं तो अपने से छोटों को नहीं, लेकिन जो हमसे बड़े हैं, जो हमसे पुराने हैं, जो हाँ महारथी हैं। तो हम कई बार कहते हैं अरे ये इतने हमसे पुराने महारथी, ये भी गलती करते हैं, हम तो नए नए आए हैं, हमने गलती कर लिया तो क्या हर्जा। तो बाबा ने उस मुरली में कहा कि महारथी वो महारथी बना कैसे। बाबा ने बहुत गुह रहस्य बताया कि अगर आपने देखा किसी महारथी, ये महारथी और इसके अंदर ये कमी कमजोरी, तो बाबा ने कहा कि क्या होगा अंत में, वो महारथी जिसने अपने अंदर त्याग तपस्या सेवा करके मार्क्स जमा किया है उस आधार से वो पास हो जाएगा, और आप नए नए आए हैं और आपने कमी कमजोरी देखा और अपने अंदर धारण किया तो आप फेल हो जाएंगे। तो कभी भी हाँ किसी को देख करके अपने अंदर कमी कमजोरी नहीं लाना है। और जिस समय भले वो महारथी, अगर उससे गलती हो रही तो बाबा ने कहा उसमें वो महारथी नहीं है, वो परवश है, उसको नहीं देखो। इसलिए बाबा ने कहा मुझे देखो, मैं बैठा हूं ना, मुझे क्यों नहीं देखते, मैं संपन्न संपूर्ण बैठा हूं। बाबा कहते मुझे ना देख करके बच्चे भाई बहनों को देखते हैं। तो हमारे जीवन का ये लक्ष्य रहे फॉलो फादर ना कि ब्रदर एंड सिस्टर। तो आलस्य अलबेलापन, अमृत वेले से लेकर रात्रि सोने तक देखें हमारी दिनचर्या में कहीं आलस्य अलबेलापन तो नहीं आता।
अमृत वेले से ही स्टार्ट हो जाता है। अमृत वेला उठेंगे तो अंदर सबसे पहले घड़ी की तरफ नजर जाएगी, अरे अभी तो 4 बजने में 5 मिनट बाकी है, थोड़ा सा 5 मिनट और रेस्ट कर लेता हूँ और सो लेता हूँ, और वो 5 मिनट सीधा 5 बजा देता है। मुरली सुनने के लिए होता है, हाँ रोज तो जाते हैं, एक दिन नहीं जाएंगे तो क्या हर्जा है, वही बातें तो सुनाया जाता है, हम आज घर बैठे ही सुन लेते हैं। तो ऐसे ऐसे मना बड़े रायल संकल्पों के साथ ये अलसल बेलापन आता। कई बार ऐसे आता, अरे सब चलता है, अकौन संपन्न संपूर्ण बन गया, हर एक के अंदर कोई ना कोई कमी कमजोरी। तो बाबा ने कहा अगर ये अंदर में आता है सब चलता है, अपने आप को चलाते हो तो अंत में हाय मेरा भाग्य कह करके चिल्लाना पड़ेगा। तो कभी भी अपने आप को चलाना नहीं है लेकिन श्रीमत पर चलना है। जो बाबा की आज्ञा है, जो श्रीमत है, अगर हमारी श्रीमत के अनुसार हमारी दिनचर्या है तो हम ब्राह्मण जीवन का संपूर्ण सुख ले सकेंगे, योग का संपूर्ण सुख ले सकेंगे, हम अनेकों के लिए आदर्श और उदाहरण मूर्त बन जाएंगे। तो कभी भी हमें अपने अंदर आलस्य अलबेलापन नहीं लाना है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट मुरली में बाबा ने कहा कि सपूत बन अपनी सूरत से बाप की सूरत को दिखाना है, निर्माण स्थिति के साथ निर्मल वाणी और निर्माण स्थिति का बैलेंस रख करके चलना है। तो सपूत वो जो अपनी सूरत से बाप की सूरत दिखाए। बाबा ने कहा सबसे बड़ी सेवा है कि आपको देख करके सामने वाले का योग लग जाए, सामने वाले के अंदर संकल्प चले इनको ऐसा बनाने वाला कौन। तो सबसे बड़ी सेवा हम कर रहे हैं। हम कहें हमारा हमें भगवान मिला है और हमारा चेहरा लटका हुआ हो, उदास हो, हम परेशान हो तो कौन मानेगा। लेकिन यदि हम खुश रहते हैं, हमारे चेहरे से वो रूहानियत दिखाई पड़ती है, हमारे चेहरे से वो दिव्यता दिखाई पड़ती है, तो चाहे हम दूसरों को ज्ञान सुनाएं या न सुनाएं, ऑटोमेटिक हमें देख करके दूसरे प्रेरित होते हैं। तो एक बार मनोहर दादी सुना रही थी कि मधुबन में एक बार एक महात्मा बाबा से मिलने आया, तो मनोहर दादी ने बाबा को जाकर के बताया कि बाबा आपसे एक महात्मा मिलने आया है। बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, बच्चे को बिठाओ, बाबा आ रहे हैं। तो इतने में विश्व रतन दादा उधर से निकले तो महात्मा हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। महात्मा ने सोचा शायद यही बाबा है। तो दादी ने कहा नहीं, ये तो हमारे भाई हैं, हमारे बाबा तो अभी आ रहे हैं। तो महात्मा बड़ा प्रभावित हुआ और उसने कहा मैंने आपके बाबा को देख लिया। दादी ने कहा बाबा को देख लिया, बाबा तो अभी आए नहीं, वो तो आने वाले हैं। महात्मा कहता नहीं, बाबा को आपकी महात्मा कहता है आपके भाई में इतनी रूहानियत है, इतनी दिव्यता है, इतनी शालीनता है, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर। बाबा हमसे यही चाहते कि अपनी सूरत द्वारा आप योग युक्त रहते तो आपको देख करके सामने वाले का योग लग जाता है। एक रसिया की बहन हमारे यहाँ अपना अनुभव सुना रही थी, कहा मैं सेंटर पर रहती हूँ, मैं किसी भाई बहन को कुछ नहीं बोलती हूँ ये सेवा करना या नहीं करना है, कहा मैं सारा दिन बस एक ही काम करती हूँ, मैं अपनी रूहानियत में रहती हूँ, योग युक्त रहती हूँ। तो कहा सेवा करने वालों के हमारे सेंटर पर लाइन लग जाता है, आते हैं भाई बहने पूछते दीदी क्या सेवा करें, आप सेवा बताओ, सेवा बताओ। कुमारियां आती दीदी मुझे भी आपकी तरह बनना है, आपकी जैसा सेंटर पर रहना है, मुझे भी अपने पास सेंटर पर रखना।
तो ये रूहानियत, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि रूहानियत में रहना, रूहानियत में रहना। हाँ, ये जैसे कि हम बहुत बड़ी सेवा करने के निमित्त बने, हमें देख करके सामने वाले का योग लग जाए। हम दादियों को देखते हैं तो क्या होता है, हाँ, देखते ही बाबा की याद आती है। तो बाबा हमसे यही चाहते हैं कि आप ऐसा बन जाओ कि आपको देख करके सामने वाले का योग लग जाए, उसका मन बुद्धि बाबा के साथ जुड़ जाए। और उसके लिए बाबा ने फिर आगे बताया कि निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी, ये अंदर में हो। हम बाबा की याद में है तो योग का रिजल्ट ही है, हमारे जीवन से ये सारी धारणाएं दिखाई पड़ेगी। अंदर में संतुष्टता, सरलता, सहनशीलता, पवित्रता, ये सब धारणाएं दिखाई पड़ेगी। तो हम किसी भी तरीके से किसी का योग तोड़ने के निमित्त नहीं, लेकिन योग जोड़ने के निमित्त बने। कई बार देखा गया है, एक मुझे बाबा के महावाक्य याद आते हैं कि बाबा ने कहा, किसी को बाबा की याद दिलाना ये सबसे बड़ी सेवा है, तो किसी का योग तोड़ देना ये क्या हुआ? बाबा को याद दिलाना सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ा पुण्य, तो योग तोड़ना ये क्या है? सबसे बड़ा पाप। अच्छा, अब हम प्रैक्टिकल बात में आ जाते हैं। हम योग में बैठे हैं, हमारी मोबाइल की घंटी बजी, सारे लोगों की नजर हमारे ऊपर आ गई, कौन बैठा है मोबाइल वाला। अब बाबा कहते हैं सबका योग जोड़ने के निमित्त बनो, और हमारी एक घंटी से सारे लोग का संकल्प चल गया, तो हमने क्या किया? बड़ी प्रैक्टिकल बातें हैं, सूक्ष्म बातें हैं, लेकिन इसका कितना है? योग में सभी साइलेंस में बैठे हैं, मगन हैं, और एक आया इतने तेज आया, ऐसा बैठा धम्म से कि आजू बाजू सबको पता चल गया। अब बताओ हमने ये क्या किया? बाबा कहता है आप ऐसा साइड में आकर के बैठ जाओ कि बाजू वाले को पता भी ना चले। योग में बैठे हैं हम, व्यर्थ संकल्प चला रहे हैं, इधर उधर की बातें हैं मन में आ रही हैं, तो ये हम क्या कर रहे हैं? तो ये सब हम योग करने के बजाय या योग में दूसरे को मदद करने के बजाय हम क्या कर रहे हैं? तो इन सब बातों को गहराई से चेक करना है और अपने आप को चेंज करना है, अपने टीचर खुद बनना है। अगर दूसरा कोई समझाता है, बताता है, तो हमें थोड़ा अभिमान आ सकता है, अरे मुझे सब पता है, लेकिन जब हम खुद के टीचर खुद बनते हैं तो अपने आप को परिवर्तन कर लेते हैं। तो हम देखें कि हम ऐसा बने हैं कि हमें देख करके सामने वाले का योग लग जाए, उसको बाबा की याद आ जाए, तो चलते फिरते, उठते बैठते, कर्म करते, हमें बाबा की छत्र छाया में रहने का अभ्यास करना है। जितना हम आत्मिक दृष्टि वृत्ति का अभ्यास करते हैं, उतना ऑटोमेटिक सामने वाले हमसे प्रेरणा लेते हैं, वो प्रेरित होते हैं। फिर आगे बाबा ने मुरली में कहा कि विश्व परिवर्तन के लिए शांति की शक्ति का प्रयोग करो। शांति का शक्ति का प्रयोग करना माना योग का प्रयोग। बाबा कहते हैं मुझे यूज करो, कोई भी विघ्न परिस्थिति बातें आती है तो मुझे यूज करो। बाबा कहते मैं इंतजार करता रहता हूं, बच्चे बुलाए बाप ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन हम बच्चे क्या करते? बाबा ने कहा कोई विघ्न आती है, परिस्थिति आती है, बातें आती है, तो बच्चे क्या करते हैं? एक दूसरे का सहयोग ढूंढते हैं। हमारा यही होता है ना, कोई समस्या आती है, परिस्थिति आती है, तो इसका सहयोग मिल जाए, उसका सहयोग मिल जाए, है? जब किसी का सहयोग नहीं मिलता तो अंत में हम बाबा को याद करते, बाबा आप ही तो हमारे हो, आप ही सब कुछ हो, है ना? और बाबा मुस्कुराता है, फिर भी बाबा आ जाता है ना? देखिए, हमारे सामने कोई विघ्न परिस्थिति
आवे और हम पहले चारों तरफ चक्कर लगा करके लास्ट में बाबा को याद करें, तो बाबा से वो तो भगवान है ना, वो सहयोग देगा। लेकिन यही बात अगर मनुष्य के मनुष्य से लिया जाए कि मानो आपके सामने कोई समस्या आई, आप चारों तरफ से चक्कर लगा करके लास्ट में मेरे पास आए, तो हम क्या कहेंगे? चारों तरफ से चक्कर लगा के आ गए, कहीं से मदद नहीं मिला ना, आ गए मेरे पास। भले हम सहयोग करेंगे लेकिन उसके ऊपर एहसान जरूर डाल देंगे, लेकिन भगवान बाबा ये नहीं करता, वो खुश होता, कोई बात नहीं, बच्चे ने मुझे याद, वो तुरंत आता है और मदद करता है। मनुष्य आत्मा परमात्मा में यही फर्क है, वो कभी ये नहीं देखता कि ये चारों तरफ चक्कर लगा करके लास्ट में मेरे पास आया। बाबा ने कहा बच्चे मुझे यूज करो, मैं इंतजार करता रहता हूं कि बच्चे मुझे याद करे और मैं जाकर के मदद करूं। लेकिन कई बार हम कहते हैं बाबा आप तो कहते हो मुझे यूज करो, मैं आकर मदद करूंगा, तो बाबा हमारे सामने एक विघ्न आई, परिस्थिति आई, बातें आई, मैंने आपको बहुत याद किया लेकिन आपकी मदद तो मिली नहीं। तो बाबा ने कहा ऐसा हो नहीं सकता कि मदद ना मिले, और अगर मदद का अनुभव नहीं, बाबा तो मदद दे रहा है लेकिन हमें मदद का अनुभव नहीं होता, तो उसके तीन कारण है। पहला कारण, हम स्वमान की सीट पर सेट नहीं होते, हम उलझे रहते हैं, अपसेट रहते हैं। बाबा टच करता है, संकल्प देता है कि बच्चे ऐसे नहीं ऐसे कर लो, लेकिन उसके बातों को हम कैच नहीं कर पाते। दूसरा, बाबा की मदद उसे मिलती है, बाबा उसी के आगे हाजिर होते हैं जो श्रीमत के आगे जी हजूर करते हैं। अब हम देखें बाबा के आगे हम कितना जी हजूर, श्रीमत के आगे कितना हम जी हजूर करते हैं, उसकी आज्ञा का हम कितना पालन करते हैं। और तीसरा, जो समय को सफल करता है, समय उसी को ही मदद करती है। अगर हम समय को व्यर्थ गवाते हैं तो समय मुझसे बदला लेती है कि तुमने मुझे व्यर्थ गवाया, और जब तुम्हें बहुत आवश्यकता होगी सहयोग की, तब हम उस सहयोग को आने नहीं देंगे। तो जो अगर हम सचमुच चाहते हैं बाबा से हमें हमेशा पूरी पूरी मदद मिलती रहे, तो पहली बात स्वमान की सीट पर सेट रहना, दूसरी बात श्रीमत के आगे जी हजूर करना, और तीसरी बात समय को पूरी तरह से सफल करना। अगर ये तीन बातें हैं तो हम हर कार्य में हर पल हर क्षण बाबा की पूरी पूरी मदद का अनुभव कर सकते हैं। फिर लास्ट अंतिम मुरली, 11वीं मुरली में बाबा ने कहा परिवार से प्रीत निभाने के लिए मास्टर नॉलेजफुल बन, बाप समान साक्षीपन की स्थिति में स्थित रहना है, बाप स्व ड्रामा और परिवार में निश्चय बुद्धि बन विजयी बनना है। तो अंतिम मुरली में बाबा यही चाहते हमसे कि परिवार के स्नेही बनो। कई बार हम कहते हैं और सब तो ठीक है लेकिन ये ब्राह्मण परिवार में बहुत खिटखिट है, या सभी से हमारी बहुत अच्छी भावना है, सभी से हमारा बहुत अच्छा संबंध है, कोई एक आत्मा के प्रति हमारी निगेटिव भावना है, अशुभ भावना है, और उसके लिए हम ये सोचते हैं इससे तो भगवान बचावे, इसके मुख से तो हमेशा जहर निकलता है। तो क्या हुआ, हम परिवार स्नेही बने? परिवार स्नेही बनने के लिए हम ये सोचे ये परिवार किसका है, जो आत्माएं हैं इनको किसने चुना है? स्वयं भगवान ने चुना है, स्वयं भगवान ने पसंद किया है, ये भगवान की पसंद की हुई सिलेक्टेड आत्मा है। हम कहते हैं हमें बाप समान बनना है और बाबा को ये ब्राह्मण परिवार बहुत पसंद है। हम कहते हैं ये ब्राह्मण परिवार में ये आत्मा, तो इसे भगवान बचाओ, इससे तो हम दूर रहें। तो जिसको भगवान ने पसंद किया उसको हम कहते हैं इससे भगवान बचावे, इससे तो हम दूर रहे, इससे तो हम बात नहीं करेंगे।
तो भगवान की पसंद वाली चीज में हमने किया, तो हम देखें जो बाबा को पसंद वही हमें भी पसंद है। बाबा को हर बच्चा बहुत पसंद है, तो हमें हर भाई बहने पसंद आते हैं या उनके स्वभाव संस्कार को देख करके हमें नफरत आ जाती है। बाबा ने कहा इन्हीं के साथ तुम्हारा हिसाब किताब है, अगर कुछ हो रहा है तो समझो ये मेरा हिसाब किताब फिनिश हो रहा है, ये मेरे अच्छे दोस्त हैं, ये मेरे अच्छे मित्र हैं, ये धर्मराजपुरी से जाने से हमें बचा रहे हैं, अगर यहाँ हिसाब किताब फिनिश नहीं होगा तो वहां जाकर के चुप चुप करना पड़ेगा। तो धन्यवाद इनका कि यहीं पर इन्होंने बोल करके हिसाब किताब चुपतू किया और धर्मराजपुरी से जाने से हमें बचाया। तो परिवार स्नेही बन करके रहना है। बाबा ने एक मुरली में कहा जो ब्राह्मण परिवार में पास वही सब में पास, वही हर बातों में पास, वही विजय माला का मड़का बनेंगे। हाँ, जो अपने आप को परिवर्तन करेंगे। एग्जाम्पल, जैसे हमारा जो है किसी से मन मुटाव हुआ, कुछ अनबन हुई, ना वो सामने वाला बात करना चाहता है ना मैं बात करना चाहता हूं। अब यहां पर बाबा के महावाक्य लाएं। बाबा ने कहा जो बच्चे स्व परिवर्तन करते हैं विजय की माला उन्हीं के गले में पड़ती, अर्थात पहले हम बोलते हैं तो विजय की माला हमारे गले में, और अगर वो बोलेगा तो विजय की माला उसके गले में। हम क्या चाहते हैं, हमारे गले में पड़े या उसके गले में? हम सब चाहते हैं कि हमारे गले में पड़े। तो क्या करना पड़ेगा, पहले खुद को बोलना पड़ेगा, अपने आप को परिवर्तन करना पड़ेगा, है ना। तो हर बात में जो अपने आप को परिवर्तन करता है, हाँ, तो ये झुकना नहीं, परिवर्तन करना नहीं, लेकिन ये बाबा की आज्ञा का पालन करना है, इससे विजयी रतन बनना है, विजय का माला का मड़का बनना है। तो हम देखें कि जो बाबा को पसंद है, प्यार में तो यही देखते हैं ना भाई, जिससे प्यार होता है उसका उसके पसंद वाला काम किया जाता है ना। बाबा को ड्रामा बहुत पसंद है, अब देखें हमें भी ड्रामा पसंद आता है, या कोई सीन देख करके कहते हैं अरे ये तो बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये ठीक नहीं हुआ, तो हम बाबा समान बने क्या? बाबा को ड्रामा बहुत पसंद, हम कहते ये बहुत गलत हुआ, तो ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी लगे, उसमें हमारा कुछ ना कुछ कल्याण है छिपा हुआ जो हमें नहीं पता, बाबा जानते हैं। तो एक एक चीज, बाबा को यज्ञ सेवा बहुत पसंद है, हमें भी पसंद है, हम समय निकालते हैं। मुझे याद आ रहा है कि एक बार मनोहर दादी जब शरीर छोड़ी तो मनोहर दादी के बारे में अमीर चंद भाई अपना अनुभव सुना रहे थे, और उन्होंने कहा कि एक बार मनोहर दादी ने मेरे से कहा अमीर चंद भाई तुम्हारे बाबा से कितने संबंध है? अमीर चंद भाई ने कहा बाबा से तो हमारे सर्व संबंध है, लेकिन मुख्य तीन संबंधों के बारे में हमेशा चर्चा करते बाबा, वो है बाप, टीचर और सतगुरु। तो दादी ने कहा लेकिन तुम्हारे तीन संबंध नहीं है, तुम्हारे तो केवल टीचर का संबंध है, क्योंकि तुम मुरली सुनने आते और मुरली सुन करके चले जाते हो, तो टीचर और स्टूडेंट का संबंध हो गया, बाकी बाप का संबंध कब माना जाएगा? बाप और बच्चे का संबंध तब माना जाएगा जब बच्चे उसके कार्य में सहयोगी बने, और तुम तो सहयोगी आते हो नहीं सेंटर पर, सहयोग करते नहीं हो, बस मुरली सुन करके चले जाते हो। तब भाई साहब ने कहा हाँ ये बात ठीक है, तो कहा तब से मैंने आज तक बाप और बच्चे का संबंध जोड़ दिया कि मुझे जाना है और सेवा करना है। तो और सतगुरु का संबंध ये हुआ कि हम शाम के समय भी एक बार पहुंचे बाबा के सेंटर पर योग करें। तो कहने का भाव ये है कि जो हम जितना बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ करके रखेंगे, बाबा ने कहा बच्चे मैं हाजिर हूं तुम्हें सर्व संबंधों का सुख देने के लिए, सर्व संबंधों का प्यार देने के लिए, हाँ, इसी समय ही भगवान के द्वारा तुम्हें सर्व संबंधों का प्यार और सुख मिलेगा, तो हम उससे ले लें। जन्म जन्मांतर तो हम देहधारियों के साथ लेते आए, उनके साथ संबंध संपर्क में आए, हम अपने आप को याद दिलाएं दो हमने देव आत्माओं के संबंध रहे, दो युग हम मनुष्य आत्माओं के संबंध में आए, और ये है स्वयं भगवान के साथ। तो हम देखें हम परमात्म सुख ले रहे हैं, परमात्म आनंद ले रहे हैं, ब्राह्मण जीवन का सुख ले रहे हैं,
और अगर अभी नहीं लेंगे, भगवान के बनने के बाद भी जीवन में संतुष्टता नहीं आई, हाँ, तो कब आएगी? ब्राह्मण जीवन में यदि हम भगवान के बनने के बाद भी सुख का अनुभव नहीं किया, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं किया, तो कब करेंगे? तो इस प्रकार इस सीजन की 11 अव्यक्त मुरली चली। इन 11 अव्यक्त मुरलियों से हमें 11 बातें लेनी है। हमारी मुरली रिवीजन करने का उद्देश्य यही था कि हम मुरली में बाबा ने क्या होमवर्क दिया उसको जाने, और रोज हम उसको रात में सोने के पहले चेक करें अंदर में गहराई से, और अपने आप को चेंज करें। तो पहली मुरली से था अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना, और दुआ देना, दुआ लेना। दूसरी मुरली में था कि बेफिकर बादशाह बन करके रहना, सारे फिकर सारे बोझ बाबा को दे देना। तीसरी मुरली में था कि तीव्र पुरुषार्थ द्वारा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना। चौथी मुरली था चारों सब्जेक्ट में हमें अनुभवी मूर्त बनना, पास विद आनर बनना। पांचवी मुरली में था कि परिवर्तन शक्ति द्वारा निगेटिव को पॉजिटिव बनाना, और अपने समय स्वास्थ्य संकल्प को सफल करना। छठवीं मुरली 18 जनवरी की, उसमें था कि मास्टर मुक्ति दाता बन सब आत्माओं को मुक्ति का सकाश देना। सातवीं मुरली में था कि हर घंटे मन की एक्सरसाइज, जैसा कि कल हमने इसके ऊपर चर्चा किया था, पांचों स्वरूपों का अभ्यास। और साथ में पांचों स्वरूपों का अभ्यास करते करते और अंदर में निमित्त भाव, निर्माण भाव, बहुत अंदर में दिव्यता, रूहानियत, सूरत से बाबा, अपनी सूरत से बाबा की सूरत दिखाना। अच्छा, और नेक्स्ट मुरली में था कि निमित्त निर्माण स्थिति निर्मल वाणी ये बना करके रखना। और बीच में शिवरात्रि के मुरली में था आलस्य अलबेलापन से स्वयं को मुक्त करना, बहानेबाजी से अपने आप को मुक्त रखना। दसवीं मुरली में था कि विश्व परिवर्तन से मना, विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना शांति और शक्ति के प्रयोग से। और लास्ट 11वीं मुरली में था कि परिवार की स्नेही बनना, और चारों बाप में स्वा में ड्रामा में और परिवार में निश्चय बुद्धि बन करके विजयी बनना। तो ये 11 मुरली में जो ये 11 बातें हैं, इन 11 बातों को चार्ट बना करके रोज रात में सोने के पहले चेक करना। और फिर हम ऐसा करते हैं, फिर जब हम बाबा से मिलने आते हैं, या रोज ही आप देखेंगे, रोज ही आपका प्रभु मिलन होता रहेगा, बाबा से मिलन होता रहेगा। तो मुरली सुनने का मतलब है कि उसको स्वरूप में लाना, कर्म में लाना, जीवन में लाना। तो रोज हमें अपने आप को चेक करना है और चेंज करना है। अभी हम सभी इन 11 मुरलियों के आधार से योग करेंगे 10-15 मिनट, और फिर पूरा करेंगे। तो सभी अलर्ट होकर के सीधे बैठेंगे और अपने आप को देखेंगे कि मैं आत्मा राजा प्रकृति सिंहासन पर विराजमान, संकल्प करेंगे मुझे अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को बहुत प्योर शक्तिशाली बनाना है। मैं सब आत्माओं को दुआ देने वाली
और सबसे दुआ लेने वाली महान आत्मा हूं। मुझे हरेक से दुआएं लेनी है और हरेक को दुआएं देनी है। कोई कैसा भी हो, सर्व के प्रति अपनी भावनाएं शुभ और श्रेष्ठ रखनी है। मैं बेफिकर बादशाह, मुझे तीव्र पुरुषार्थ द्वारा संपन्न और संपूर्ण बन बाबा के साथ घर चलना है। मैं असंभव को भी संभव करने वाली बेफिकर बादशाह हूं। मुझे चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लेकर के आनर विजयमाला का मड़का बनना है। मैं विजयी रतन हूँ। मुझे निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर समय स्वास्थ्य संकल्प को पूरी तरह सफल करना है। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। मुझे हर घंटे मन की एक्सरसाइज कर उसे शक्तिशाली बनाना है। बाबा मेरा संस्कार है, मुझे अपने संस्कार बाप समान बनाने हैं। मुझे आलस्य अलबेलेपन और बहानेबाजी की निद्रा से इससे पूरी तरह मुक्त होना। मैं सपूत बन अपनी सूरत से बाप की सूरत दिखाने वाली आज्ञाकारी बच्चा हूँ। मुझे अपनी निमित्त भाव निर्माण निर्मल वाणी सदा निर्माण स्थिति मैं विश्व परिवर्तन सर्व का स्नेही मुझे परिवार स्नेही सबके साथ मिलकर के साथ प्यार से चलना है। जो बाबा को पसंद वही मुझे भी पसंद। मुझे हर संकल्प बोल और ब्रह्मा बाप समान रखना है। मुझे स्वयं में बाप में ब्रह्मा में और परिवार में निश्चय बुद्धि बन विजयी रतन बनना है। मुझे बाबा की हर श्रीमत पर चल बाबा की आशाओं को बाबा की चाहनाओं को पूरा कर ये मेरा संकल्प। ओम शांति शांति।